ऐश्वर्य राय को देख क्या लगती है, ऐसे रहा तो बिल्कुल एकदम स्टाइल में टिच। क्या बात है भाई, ऐसे कैसे चले आए दरवाजा खोल के सीधे अंदर? एक्सक्यूज मी, आप दोनों में से मुसद्दी लाल कौन है? क्यों भाई, क्या काम है? मार लगानी है सर। मार लिया? यस सर। और ये बता दो कि तुमने मारा क्यों है? क्योंकि आप इस मकान को खाली नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरे मालिक मकान ने तुम्हें भेजा है? हाँ। समझ गया, चले हम लोग। हाँ, नहीं नहीं रुकते, चाय वाय पी के जाते। नो सर, थैंक यू सर, अभी एक को पीटने और जाना है। ओके, बिजी शेड्यूल है। यस सर, टेक केयर मैडम। मैडम मैडम, एक बार सुनाई देता है हमें। मैं कंप्लेन करने के लिए आया हूँ। बीवी ने मारा? अरे आपको कैसे पता चला? उसने तो 3-4 दिन पहले मारा था। रिपोर्ट आप लिखवाने आए हो? नहीं नहीं, मैं कंप्लेन अपनी बीवी के खिलाफ नहीं करने के लिए आया हूँ, अपने मकान मालिक कामता प्रसाद के खिलाफ करने के लिए आया। मारे बीवी और कंप्लेन कामता प्रसाद की? नहीं आप समझ नहीं रही हैं। बेवकूफ समझाए क्या जो समझी नहीं? नहीं देखिए मैडम, तुम लोग मानव अधिकारों का दुरुपयोग करते हो। मारता कोई और है और कंप्लेन किसी और की करते हो? आप समझ नहीं रही हैं मैडम, सारे अधिकार छीन लेने चाहिए। मानव अधिकार कार्यालय में मुझे मेरी बात कहने का अधिकार मिलना चाहिए। तो कहो ना, किसने मना किया है? कब से कह रही हूँ, कुछ बोलते ही नहीं। क्या हुआ उषा जी? अरे कुछ नहीं हुआ भाई साहब, इतनी देर से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मकान मालिक मेरी पिटाई करवाता है, ये कहने नहीं दे रही। कहने दीजिए ना उषा जी, इतना अधिकार तो देना पड़ेगा। कहो। मेरा मकान मालिक कामता प्रसाद। चल रहा है पांडे जी? बस शुक्ला जी ठीक है। क्या हुआ आपके मकान का प्रॉब्लम का क्या हुआ? खाली करना ही पड़ेगा। अरे केस क्यों नहीं लड़ते उसके खिलाफ? अरे केस तो हम एक मिनट में जून लड़ ले, मगर मेरी फीस कौन देगा? आई कांट वर्क विदाउट फीस ना। ढूंढो नया घर। आपके इलाके में मिले तो कभी बताइएगा, चले देखें क्लाइंट श्लाइंट आए कि नहीं। शुक्ला की दुकान आजकल ठंडी चल रही है। लोगों की बातचीत अगर खत्म हो गई हो तो मैं अपनी बात कहूँ? एक मिनट, देख नहीं रहो जरूरी बात कर रहे हैं हम लोग? मानव अधिकार कार्यालय में मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और ये आप कर रहे हैं? मैं? यही तो, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर फालतू बात करने का पूरा अधिकार होता है और वो तुम छीन रहे हो। मुझे भी तो मेरी बात कहने दीजिए ना। बोलो यार, दिमाग खराब कर दिया, बोलो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें वो जो पिटवाता है ना मकान मालिक, तुम पुलिस में जाके रिपोर्ट करो ना। अरे नहीं कर सकता मैं ना, मेरे मकान मालिक का ससुर पुलिस में है। तो तुम क्या चाहते हो, हम उसे निकलवा दें? मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरा मेरी मदद करें, 4 बार मेरी पिटाई करवा चुका है वो। पर वो पिटाई क्यों करता है तुम्हारी? मुझे लगता है उसका मकान खाली नहीं कर रहा होगा। अरे आपको कैसे पता? मैं खुद अपने किरायेदार को 5-6 बार पिटवा चुका हूँ। अच्छा तो मैं क्या करूँ? वहाँ पे हमारे कंप्लेन ऑफिसर बैठे, उनसे जाके कंप्लेन करा लो। कौन? पांडे जी हैं। पांडे? पांडे नहीं, पांडे जी, पांडे जी। जी जी तो पांडे के बाद लगता है। जी पांडे जी। अरे पांडे जी, आप तो प्यून थे, अब ऑफिसर है। इतनी जल्दी तरक्की हो गई आपकी? तरक्की नहीं, 2-in-1, स्टाफ कम है ना, इसलिए। बोलो कंप्लेन बोलो। अभी तो बताई थी मुझे आप। कब? जब आप प्यून थे। वो प्यून को बताई थी, अब ऑफिसर को बताओ। गुड, आई लाइक इट है। मैं मुसद्दी लाल सूद। असल कौन है? जी असल? असल तुम्हारे पिता, जिनके तुम सूद हो। नहीं, पर मेरे पिता भी सूद थे। वो किसके सूद थे? किसके सूद? तुम्हारे खानदान में सब सूद है क्या? कोई असल नहीं है? असल? अच्छा अच्छा, आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं। क्या पांडे यार, क्या कहा? नहीं 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 पांडे जी, आप रिपोर्ट लिखिए ना। बोलो जी। मेरा मकान मालिक मुझे गुंडे भेज के पिटवाता है। कितने गुंडे थे? 4 गुंडे थे। चारों ने मारा? नहीं नहीं, एक तो वहाँ खड़ा होकर ऑर्डर दे रहा था ना, यहाँ मार वहाँ मार। कहाँ कहाँ मारा? नाक पे मारा, मुंह पे मारा, कान पे मारा, हाथ पे मारा, घुटनों में मारा, पीछे मारा, आगे मारा, हर जगह मारा ही मारा है जी। तो ये बोलो ना, पूरे बदन पे मारा? एक्चुअली आइडिया नहीं मुझे पहले आया, एक्चुअली कंप्लेन यही है कि पूरे बदन पे ही मारा। किस हाथ से मारा? अब इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है तभी तो रिपोर्ट बनेगी। दोनों हाथों से मारा। उसका कोई चश्मदीद गवाह है? मेरी पत्नी। पत्नी की गवाही नहीं चलेगी, पत्नी से तुम कुछ भी लिखवा पढ़वा सकते हो। अरे उसे कोई लिखा पढ़ा नहीं सकता है, वो 6ठी क्लास में 6 बार फेल हुई थी, स्कूल से निकाल दिया था उसे। ओ ये बताओ, ये हादसा कितने बजे हुआ? ये तकरीबन तकरीबन नहीं, एग्जैक्ट टाइम बोलो। एग्जैक्ट अगर कुल मिला के फिर बताना पड़ेगा मुझे, तो हुआ समझ लो 6:30 बजे। और ये हादसा हुआ कहाँ? मेरे घर पे। घर कहाँ है? 108/54 वो 12 देवी है ना, हनुमान मंदिर के सामने। ओके ठीक है, हमने रिपोर्ट लिख दी है, हमारे सर्वे ऑफिसर भाटिया जी आएंगे और हम लेंगे एक्शन 1500।
1500 एक्शन लेंगे। 1500 एक्शन नहीं, 1500 रुपए। वो क्यों? 250 रुपए का एक फॉर्म आता है और 1000 रुपए सर्वे करने के। पर ये तो कुल मिला के 1250 हुए ना, तो आप 1500 रुपए क्यों कह रहे हैं? तुम फॉर्म भरते तो 2-3 फॉर्म खराब कर देते, होता 750। मैं तो एक ही फॉर्म का ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ले रहे हैं आप, 1500 रुपए मैं लेके आया हूँ। 1500 रुपए ये लीजिए, 1500 रुपए। अब ये बताइए कि मेरा काम हो जाएगा ना? तुम जाओगे तो हो जाएगा। जा तो मैं रहा हूँ, लेकिन भाटिया जी कब आएंगे सर्वे करने के लिए? कब आएंगे? अरे भाई जब फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी तब आएंगे। कैसी फॉर्मेलिटीज? देखो भाई, तुम्हारी रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुमने जो कंप्लेन लिखवाई है वो सही है? तुम्हें ये जो चोटें लगी हुई हैं ये सही हैं? कैसे मानेंगे? मानने के कई तरीके हैं। नंबर वन, मैं उंगली से तुम्हारी चोट को दबा के देता हूं, अगर खून निकला तो सही और नहीं निकला तो फर्जी। लाइक दिस। देखिए ये तरीका ठीक नहीं है, इसीलिए हम भी ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा तरीका है मेडिकल चेकअप, यानी कि डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट कि आपको जो चोट लगी है वो वाकई मार खाने से लगी है, एक्सीडेंट या गिरने से नहीं। ये तरीका बिल्कुल ठीक है। हाँ तो फिर आप मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवा लीजिए। किसकी? अरे यार अपनी और क्या, मेरी करवाओगे? मतलब किससे करवाऊं? एक काम करो, बाहर मोड़ पे केंद्रामल हलवाई की दुकान है, वहां से बनवा लो। हलवाई की दुकान से मेडिकल सर्टिफिकेट? मेडिकल सर्टिफिकेट तो डॉक्टर बनाता है ना। अरे यार तो फिर पूछ क्यों रहे हो? मतलब आप सुझा दीजिए ना। ठीक है, डॉक्टर पटेल हमारे ऑथराइज्ड डॉक्टर हैं। कहाँ मिलेंगे? चोट। आ, 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 आ। क्या हुआ? अरे आप मेरी चोट को क्यों दबा रहे हैं? अरे भाई चेकअप कर रहा है ना। पर भाई साहब नहीं 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 नहीं, ये आपकी चोटों को देखकर लगता नहीं है कि 3-4 लोगों ने मिलकर मारा है, ऐसा लगता है कि बीवी ने मारा होगा। जहाँ आपने दबाया वो वही जगह थी जहाँ बीवी ने मारा है। क्या? हाँ। तो गुंडों ने कहा मारा? उस जगह को छोड़ के बाकी सब जगह पे तो गुंडों ने ही मारा है। ओ, फिर तो पूरा चेकअप करना पड़ेगा। चलो कपड़े उतारो। क्यों? चेकअप करने के लिए पूरे कपड़े उतारने पड़ेंगे? हाँ, मुझे तो शर्म आएगी। देखो भाई साहब, इंसान को डॉक्टर और बीवी से शर्माना नहीं चाहिए, डॉक्टर और बीवी एक जैसे ही होते हैं। तब तो मैं बिल्कुल नहीं उतारूंगा। भाटिया ये तो मना कर रहा है यार। नहीं, मैं चेकअप कराने के लिए तो तैयार हूँ, मगर मैं कपड़े नहीं उतारूंगा। अरे मान जाओ वरना दो बातें हो जाएंगी। दो बात? कौन सी दो बातें हो जाएंगी? या तो तुम्हारा सर्टिफिकेट बनेगा या तो नहीं बनेगा। बिना चेकअप के सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? और नहीं बना तो दो बातें होगी, या तो तुम्हारा केस बनेगा या तो नहीं बनेगा। केस बन कैसे सकता है? और नहीं बना तो दो बातें होगी, या तो तुम्हारे मकान मालिक के गुंडे मार मार कर तुम्हें घर से निकाल देंगे या तो नहीं निकालेंगे। नहीं निकालने का तो सवाल ही नहीं उठता। और निकाला तो दो बातें होगी, या तो तुम्हें दूसरा घर मिलेगा या तो खुली सड़क पर रहोगे। घर तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं आज के जमाने में, और सड़क पर रहे तो दो बातें होगी, या तो खुले नल के नीचे नहाओगे या तो सुलभ शौचालय में नहाओगे। सुलभ शौचालय में तो जगह होती नहीं, और नल के नीचे नहाए तो दो बातें होगी, या तो कपड़े पहन के नहाओगे या तो कपड़े उतार के नहाओगे। कपड़े पहन के नहाए तो ठीक, कपड़े उतार के नहाए तो दो। अरे वाह 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 वाह, खुले सड़क पर पब्लिक के सामने कपड़े उतार सकते हो, और मेरे सामने एक डॉक्टर के सामने कपड़े उतारने में शर्मा रहे हो तुम? शर्म आती है मुझे तुम पर। भाटिया ले जाओ इसे। नहीं नहीं, सुन लिया भाई, चले। नहीं नहीं, मैं अपने घर पे ही नहाऊंगा। ठीक है, मैं कपड़े उतार देता हूँ। अरे रिपोर्ट तैयार हो गई? हाँ बिल्कुल तैयार हो गई। लाइए जरा दिखाइए। ऐसे कहाँ, पहले 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ, आपने मेडिकल चेकअप कराया ना भाई। लेकिन वो तो सर्वे की फीस में इंक्लूडेड है ना? नहीं नहीं, इंक्लूडेड है, लेकिन आपने मेडिकल चेकअप जो है ऑफिस आर में नहीं कराया, इसी पटेल साहब ने प्राइवेट की फीस लगाई है। छोड़िए, ऐसी कमाल की रिपोर्ट तैयार हुई है कि केस को कोई हिला नहीं सकता। आपका मकान तो गया। भाटिया साहब, मेरा मकान नहीं, मेरा मकान मालिक। ओ हाँ, वही मकान मालिक। जरा दिखाइए रिपोर्ट। लीजिए, गिन लीजिए, 1000 ही है। लेके निकला था घर से। जी ये रिपोर्ट किसकी है? आपकी। पर इसमें तो लिखा हुआ है कि मेरे बाएं हाथ में 3 जगह पे फ्रैक्चर है, पैर मेरा टूटा हुआ है, आंतों में बहुत सी सूजन है। ये सब चोटें तो ऐसी हैं जैसे किसी दंगों में पिटे आदमी की होती है। भाई उन्होंने ऐसी रिपोर्ट तैयार की है कि सारी की सारी सिंपैथी आपकी तरफ चली जाए। आपका मकान तो भाटिया साहब, मेरा मकान नहीं, मेरा मकान मालिक तो। हाँ हाँ, वही 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 वही। लेकिन ये सब चोटें तो मुझे लगी नहीं हुई ना। अरे नहीं लगी तो लगवा लो। क्या मतलब? थोड़ी एक्टिंग एक्टिंग। ओके। हाथ में थोड़ा प्लास्टर चढ़वा लो, थोड़ा लंगड़ा के चलो, समझा करो। आपको मालूम नहीं भाटिया साहब, स्कूल में ना मैंने लंगड़े जमादार की एक्टिंग की थी। इधर मैं झाड़ू इसमें। ऐसे क्या है ना, हमारे वकील साहब है ना शुक्ला, उनकी नजर बड़ी पैनी है। कितनी पहनी है? इतनी पहनी ना, वो आगे वो मुंह है और
क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात यह करता हूँ सर, वकील साहब कह रहे हैंगे कि जो आपने रिपोर्ट बनाई है वो सही नहीं है, वो वीक है, वो बहुत गड़बड़ है। ये कैसी रिपोर्ट बनवाई है, ये नहीं चलेगी। अरे रिपोर्ट मैंने थोड़ी बनाई है, रिपोर्ट तो आपने बनाई है। लेकिन बनवाई तो आपने है ना, जो फैक्ट्स आपने दिए हैं उसी के हिसाब से तो रिपोर्ट बनी है। अरे फैक्ट्स भी तो आप ही ने पैदा किए हैं, मैंने थोड़े दिए हैं, मैंने तो सिर्फ रुपए दिए थे। जो रुपए दिए तभी तो फैक्ट बने ना। तो ये फैक्ट नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं? बाटिया। मैं करता हूं सर, मैं करता हूं। वकील साहब कह रहे हैंगे कि वो झूठे केस नहीं लड़ते हैं, वो कह रहे हैंगे आपने अपनी रिपोर्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए घूसखोर अफसरों को रिश्वत दे के अपनी रिपोर्ट को सॉलिड बनवाया है, जो ऊपर से तो सॉलिड हैगी लेकिन अंदर से नहीं है। अरे तो घूसखोर अफसर ये बता दें कि जो ऊपर से सॉलिड रिपोर्ट है उसको अंदर से सॉलिड कैसे बनाया जा सकता है। अब ये वकील साहब थोड़ी बताएंगे। अरे आप पान थूक के बात कीजिए, पता नहीं कोर्ट में वहां जज साहब इनकी बात कैसे सुनते होंगे। आपको क्या लगता है वहां कोर्ट में जज किसी की बात सुनता है? जी चोट दिखाई दे, दिखाई। अरे आपको तो एक्टिंग करने भी नहीं आती। वहाँ अपोजिशन के वकील जब दबाएंगे और आप ऐसी एक्टिंग करेंगे तो केस पर आप 100% हार जाएंगे। तो कैसी एक्टिंग करूं? ट्रू रियल। वो कैसे होगी? उसके लिए थोड़ी रियलिटी लानी होगी ना। वो कैसे होगा भाटिया? सर पांडे जी, पांडे जी। जी अरे पांडे जी, इनको चोटें जरा रियल कर दीजिए इनकी। एकदम रियल कर दूंगा। हाँ लेकिन देखना पांडे जी, पिछली बार सच में एक कहा तोड़ दिया था आपने। क्या? देखना वैसे नहीं जैसे उन चारों का पुलिस कस्टडी में नाना। अरे मुझे जाने दो भाई। अरे कुछ नहीं होगा, एक मिनट। अब लग रहा है रियली घायल, शुक्ला जी दबा के देखें। अरे दबाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही करा रहा है। मुखर्जी बाबू अब हम आपका केस लड़ेंगे, बस फीस उषा जी के पास जमा करा दीजिए। शुक्ला जी चाल थोड़ा सीधी लग रही है, इसे भी टेढ़ा कर दूं टांग तोड़ के, केस एकदम 100% रियल हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कुछ मकान मालिक के लिए भी तो छोड़ दो। क्या तू फिर से पिटवाएगा इसे? अरे भैया जब उसको पता चलेगा मानव अधिकार वाले लठ लेके उसके पीछे पड़े तो कुछ तो करेगा। अभी देखो दरवाजा खुलेगा और गुंडे अंदर आएंगे। हाँ भैया क्या काम है, कैसे आना हुआ? हेलो आप दोनों में से मुसद्दी लाल कौन है? क्यों क्या काम है? ए शाने अपन लोग ना उसको इनाम देने के वास्ते आए लाइक किया। अच्छा कैसा इनाम भाई? एक्चुअली क्या है, आपने जो अपने मकान मालिक के खिलाफ मानव अधिकार कार्यालय में जो कंप्लेंट लिखवाई है ना उसी से इनाम। वो बहादुरी का काम तो मैंने किया है। नाउ भाई ये केस मेरी समझ में तो आ नहीं रहा है, आप कह रहे मकान खाली कर दो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप पहले पान थूक के बात कीजिए। हुआ ये है कि जब आपके मकान मालिक को हमने नोटिस दिया तो दिल का दौरा पड़ गया हमको, गिर गए वहीं पर कि गुरु मकान में गया हाथ से। वेरी गुड। तो भैया शुक्ला किस लग रहा, कमजोर तो होने से कई भाटिया बोलो नहीं यार। देर बोलो ना भाई। हाँ भाई सवाल ही नहीं उठता। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि वो तो पड़े हुए अस्पताल में बेहोश, सपोर्ट बाय चांस दिल के दौरों के कारणों की जांच की गई तो गुरुजी आपका नाम फंस जाएगा। मेरा क्यों? क्योंकि आपने एक आदमी को अपना दिल दिया। एक आदमी को आप कैसी बात कर रहे हैं भाटिया साहब? दिल का दौरा दिया भाटिया। हाँ वही। और दिल के दौरे में पटेल साहब बताई ना। हाँ भाई दिल के दौरे में तो 99% तो मर ही सकता है आदमी। अब आप गए जेल। जेल? मैं तो जेल कभी गया नहीं हूँ। जेल जाइएगा, टॉर्चर करके बहुत मारते हैं पांडे जी। चार तो मेरे हाथों मरे। ये सस्पेंडेड इंस्पेक्टर हैं, मानव अधिकार का हनन कर रहे थे तो मानव अधिकार वालों ने नौकरी दे दी। पर मैं क्या करूँ? अब कर ही क्या सकते हैं, अब तो फंस गए हैं ना शुक्ला जी। कभी कोर्ट कचहरी में फंसना नहीं चाहिए पटेल, कहाँ से मुसद्दी भाई आप? मैं तो मानव अधिकार वालों के पास आया था ना। ओफो शरीफ आदमी भी कभी अधिकार मांगते हैं। तो अब क्या करूँ? आप दोनों तरफ से गए, मकान खाली नहीं करेंगे तो गुंडे मारेंगे, केस करेंगे तो पुलिस वाले मारेंगे। तो मानव अधिकार वाले कुछ नहीं करेंगे? करेंगे कोशिश और अंत तक करेंगे। किसके अंत तक? आपके अंत तक, हम आपके साथ हैं। भैया कुछ सोचो तो जरा।
मेरे दिमाग में एक आइडिया है शुक्ला जी। क्या? कि ये उस मकान में 20 साल से रह रहे हैं तो खाली तो नहीं कर सकते। खाली तो मैं करूंगा भी नहीं, 2 लाख रुपए खर्च किए हैं उस मकान की मरम्मत पे मैंने। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ कि 2 लाख वो और 1 लाख और इन्हें मिल जाए तो। 1 लाख और भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप दोनों तरफ से बच जाएंगे, गुंडों की मार से भी और पुलिस की मार से भी। हाँ वरना अब के पीटेंगे तो फिर हड्डियां भी नहीं जुड़ पाएगी, है ना। बस मुजफ्फर बाबू आपको मार के मार। नहीं नहीं इतने सस्ते में तो नहीं छोड़ूंगा मकान। अरे भाई देखिए मान जाइए, इसी में हम सबकी भलाई है। हम सबकी भलाई है, भलाई तो सिर्फ मेरी होनी है। अरे अब हम आपसे अलग हैं क्या? चलिए ठीक है मान जाता हूँ मैं आपकी बात, लेकिन रहने के लिए जगह आपको ढूंढ के देनी पड़ेगी भाई, आजकल मकान की बड़ी दिक्कत। ओके डन, हम अपना मकान दे देते आपको। अरे वेरी गुड, तो मैं कब शिफ्ट कर जाऊँ? अरे आज ही, ये लो चाबी। आज ही तो जरा मुश्किल होगा, अब सामान वामान भी तो उठवाना है ना। उठ गया हमने टेम्पो भिजवा दिया था भाभी ने सामान लदवा दिया। इतनी जल्दी? हाँ क्या है ना आज का दिन शुभ था इसलिए फिर आज ही कर दिया, और कल आकर पैसे भी ले जाना। थैंक यू। अरे मेंशन नॉट मैडम शुक्ला पटेल भाटिया पांडे कहाँ है सब? अरे अब क्या हो गया मुसद्दी बाबू? अरे ये पूछो क्या नहीं हो गया है। अच्छा क्या नहीं हुआ? तुम सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है। धोखा? अरे आपको आपके अधिकार दिलाया ये धोखा है? यही तो नया घर दिलाया वो धोखा था। अरे उसे घर कहते हो, वो कबूतर का दड़बा है। वो क्या है ना मुसद्दी बाबू कि हमारे पिताजी को कबूतर पालने का बहुत शौक था, तो मकान बनाते हुए थोड़ा कबूतर टाइप का हो गया। वैसे घर ही तो है भाटिया, तुम तो देखे हो ना, बोलो ना। देखे क्या, हम तो रह चुके हैं उस कबूतर खाने में। मैं नहीं रह सकता हूँ उस कबूतर खाने में। अरे तो कहाँ रहोगे? वहीं रहूंगा जहाँ मैं पहले रहता था, वो तो छोड़ दिया। अरे तो क्या हुआ, अभी जा सकता हूँ, चाबी है मेरे पास। हाँ ताला तो हमने बदल दिया। तुमने? हाँ मेरा मकान मालिक मुझे बहुत परेशान करता था, हम तुम्हारे यहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा अच्छा, मतलब ये सारी तुम्हारी चाल थी। अब ये भी तो बेचारा मानव है, इसके भी तो कुछ अधिकार हैं। मेरे कोई अधिकार नहीं है। है ना, आपको मिलेंगे ये आपके पैसे। ये चेक है? नहीं कैश। अरे दिखाओ भाई। ये 1,000 रुपए और बाकी 2,99,000 रुपए कहाँ चले गए? ये रहा हिसाब। ये हिसाब? हाँ देखिए ना, 1 लाख डिपॉजिट जहाँ पर भी रह रहे हैं, और 1,20,000 रेंट एडवांस, 10,000 रुपए महीने के हिसाब से, और 40,000 मेरे अस्पताल का खर्चा जहाँ कांता प्रसाद के दिल के दौरे का इलाज हुआ। 5,000 रुपए टेम्पो में लग गए सामान उठाने में। हो गया? हाँ, जनता मानव अधिकार वालों ने कुछ नहीं लिया। हा? हम तो निस्वार्थ काम करते हैं। 8,000 मिसलेनियस। अच्छा फिर भी 10,000 में बाकी बचते हैं। ओफो, अरे नए घर में शिफ्ट होने की पार्टी नहीं दोगे भाई? हमने रखी है पार्टी तुम्हारे लिए शुक्ला के घर में। मेरे लिए पार्टी शुक्ला के घर में? तकिया होमली महसूस करें। एड्रेस बताए कि बता दें फिर से? नहीं नहीं वो तो मुझे पता है। अच्छा मैं अपनी पत्नी को साथ ला सकता हूँ? अपनी पत्नी को? अपनी पत्नी को ये अधिकार हम कैसे छीन सकते हैं? Thank you.